एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर जी जानते हैं कि जो प्राइवेट स्कूलों निजी पब्लिक स्कूलों के साथ अन्याय हो रहा है उसके बारे में जनाब की क्या निर्णय है और अभी क्या करने वाले हैं इस पे? कल हमारी जमा में पूरे हिमाचल प्रदेश के प्रबंधकों की स्कूल के मुखियाओं की एक सभा होने जा रही है जिसमें हम ये सहमति बनाएंगे कि हमने सरकार के समक्ष और हिमाचल प्रदेश एजुकेशन बोर्ड के समक्ष अपनी सारी मांगे कई बार रखी और कई वर्षों से रखी, लेकिन उनके ऊपर जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की गई, हमें किसी चीज़ में राहत नहीं दी गई, जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसको जो है वो सही नहीं किया गया है। तो अगला जो हमने कदम उठाना है वो सबकी सहमति से उठाना है। क्या हमें एक बार फिर से सरकार के पास अपनी मांगों को रखना है, बोर्ड के पास फिर से अपनी मांगों को लेके जाना है, या फिर हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है? तो क्या क्या समस्याएं आपकी? हमारी अगर समस्याओं की बात करें, पहले हम शुरू करते हैं कि जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से हरेक स्कूल को पहली से आठवीं तक रिकॉग्निशन मिलती है, मान्यता मिलती है, उसके जो नियम हैं वो सरकार ने बड़े पेचीदा बनाए हैं, एक तरफा बनाए हैं, और वो पब्लिक स्कूलों को बंद करने के लिए ही बनाए गए। उसमें जो फॉर्मेलिटीज़ हमें पूरी करनी होती है वो 12 डिस्ट्रिक्ट में 12 प्रकार की है। आरटी एक्ट जो है हमारे प्रदेश में अगर सरकार ने बनाया, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, तो वो एक ही होगा। और ये बात हमने अपने निदेशक महोदय के सामने भी उठाई थी कि 12 डिस्ट्रिक्ट में 12 प्रकार के रूल्स रेगुलेशन कैसे हो सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी अभी तक 2 सालों में कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम ये चाहते हैं कि उसमें जो नॉर्म्स बनाए जाएँ या बनाए गए हैं उनको फॉलो किया जाए, जो देश का आरटी एक्ट है उसको फॉलो किया जाए, ना कि उसमें अपनी तरफ से जो है डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं उनको ये पावर हो कि अपनी तरह से उसमें जो है वो कुछ शर्तें लगा दें जो पब्लिक स्कूलों को पूरा करना मुश्किल है। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड से हमें हर साल एफिलिएशन लेनी होती है, समत्ता मिलती है, उस समत्ता के जो नियम हैं वो भी बहुत पेचीदा है और उनका ना कोई कानूनी आधार है। हमने कई बार समक्ष उनके मांग रखी, वो ये कहते हैं जी हम कुछ करेंगे, लेकिन उसका कोई सलूशन नहीं किया गया। मान्यता के जो मुद्दे पर भी हमारी शर्तें हैं, जो बोर्ड के नियम हैं, हम उनका सरलीकरण चाहते हैं, उनका कोई आधार हो, और उसी सिलसिले में हमारी ये बैठक आयोजित की गई।